यस माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 6 है वर्कशीट 2 का। टू एडजेसेंट साइड्स, इससे पहले हमने एडजेसेंट एंगल्स वाला टॉपिक किया था, वो कंसेप्ट था हमारा कि एडजेसेंट एंगल्स। अब हमारा कंसेप्ट आता है एडजेसेंट साइड्स। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 110। फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स है 3:8, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम अपनी तरफ से लेना है। सो लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड लेट ए बी इज 3x एंड बी सी इज 8x। आपको पता है कि एडजेसेंट साइड्स का एक वर्टेक्स कॉमन होता है, तो हमने बी वर्टेक्स कॉमन ले लिया, एक ए बी साइड ले ली और एक बी सी। थोड़ा छोटी साइड और बड़ी साइड बनाओगे तो छोटी को 3x लिख देना और बड़ी को 8x। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये 8x है तो ये भी 8x होगा और ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर, बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री पर साइड्स हैं उन सब का सम कर दो। तो चारों साइडों का सम 110 हो जाएगा, x निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि ए बी और सी डी दोनों ही 3x होंगी, बी सी और ए डी दोनों ही 8x होंगी, तो वहाँ वैल्यूज पुट कर दो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल ऐसे ही। वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड। ये 3/4 टाइम्स मीन्स ये वाली साइड छोटी है, ऊपर नंबर छोटा है तो ये साइड छोटी है, दूसरी साइड बड़ी है। तो हमने ए बी सी डी ऐसे ही लेट करना है पैरेललोग्राम। तो ए बी को मैंने एक्स लेट कर लिया और बी सी छोटी है क्योंकि 3x/4 है, 3 ऊपर नंबर छोटा है तो इसको छोटी साइड को लेना है 3/4x। सेम पिछला, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, पैरीमीटर है, पुट कर दो, सॉल्व कर दो। x को x से सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3/4x 3/4x दो बार है ना ये, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया 3/4, तो 2 2s are 4, तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ 3x/2। अब ये दो नंबर बन गए, अब इनका एलसीएम ले लूँगी। यहाँ चारों का लेना पड़ता तो मैंने यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लिया, 7/2x हो गया। तो x के साथ वाला जो 7/2 है इधर आके 2/7 बन गया। फिर वही चीज़ अपोजिट साइड्स वाली जो है वहीं आप पुट कर दो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। उसके बाद बच्चों आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम हुज डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। इस टाइप की फिगर बनानी है कि राइट एंगल दिखे, डायगनल्स एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पर भी करते हैं, इस पैरेललोग्राम में कर रहे हैं, हमेशा नहीं करते। इस पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगनल्स हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स इज 6 and 8 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने इस तरीके से बनाना है, एक डायगनल छोटा एक बड़ा, छोटे को 6 cm ले लो और बड़े को 8। तो इस फिगर को जब मैंने बनाया तो मेरा ए सी छोटा नजर आ रहा है, इसको मैंने 6 मान लिया, और बी डी बड़ा नजर आ रहा है, इसको मैंने 8 मान लिया। अब हमें पता है वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि जो डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम है ऑलवेज बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स हाफ हाफ में बटते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कटना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर बटना। तो जो 6 था वो 3 3 में बट गया, 3 ऊपर 3 नीचे, जो 8 था वो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, ठीक है। डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, उसने कहा था कि राइट एंगल्स पर है, तो राइट एंगल की फिगर भी बनानी है, ये शेप दिखा देनी है। वी सी द पैरेललोग्राम इज नाउ डिवाइडेड इंटू 4 राइट ट्राइंगल्स। हमें दिख रहा है कि जो पैरेललोग्राम था वो 4 राइट ट्राइंगल्स में बट गया, और हमें ये भी दिख रहा है कि 4 की 4 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये जो 3 है इस ट्राइंगल का भी माना जाएगा, इसका भी बेस 4 है, इसका भी बेस 4 है, सेम दोनों जो नीचे ट्राइंगल्स हैं उनका है। तो मीन्स चारों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो अगर हम एक पर निकालते हैं, एक पर पाइथागोरियन लगाते हैं, तो चारों के लिए सेम अप्लाई होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है, 90 के ठीक सामने वाली, तो 4x के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 16 9 25, 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 5। एज ए बी इज 5 cm, अगर ए बी 5 है तो इसका मतलब बी सी भी 5 है, सी डी भी 5 है, ए डी भी 5 है। क्यों? क्योंकि सारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसा इस पे पाइथागोरियन लगा वैसा इस पे, वैसा इस पे, वैसा इस पे, तो सारी आ जाएंगी 5। हैंस लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 5। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार पेपर में आता है,
और ऐसा ही सम आपको वर्कशीट 3 में भी मिलेगा, सेम क्वेश्चन सेम। और ये क्वेश्चन जो है वो 9th और 10th में भी आ जाता है, तो बड़े केयरफुली देखो इस सम को, ध्यान से देखना है। वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:4। एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर 3:4 में है। वन ऑफ इट्स एंगल ए इज 90, एंगल ए 90 है, एंड डायगनल बी डी 10, ये भी दे रहा है। वो कहता है लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल लो और पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पिछला हम इतना कुछ कर चुके हैं, तो साफ ही नज़र आ रहा है कि डी ए बी जो है वो एक राइट ट्राइंगल नज़र आ रही है, राइट एंगल है। ये भी दी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो पाइथागोरियन लगाओ, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स निकल जाएगा तो मीन्स ए भी निकल गया उठ करके एक्स की वैल्यू, और इसी तरह ए डी निकल गया। ठीक है, वो कहता है लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ, फिर क्या लिखना है, एज वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ए बी 4x है मीन्स 8 निकला है, तो अपोजिट डी सी भी 8 होगा। ए डी अगर 6 निकला है तो बी सी भी 6 होगा। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, सॉल्व हो गया, लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर वो कहता है पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री पर जितनी भी साइड्स हैं उन सब का सम कर दो, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये आ जाएगा 28। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी डी इज ए क्वेड्रिलेटरल। अब उसने कोई मुझे नहीं बताया कि मैं पैरेललोग्राम हूँ या क्या है। ए बी सी डी क्वेड्रिलेटरल है, इन विच, कैसा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। हमने ऐसी फिगर बना देनी है कि, और टिक लगा देनी है कि ये अगर ये और ये सेम है तो वन वन टिक लगा दिया मैंने, ये और ये सेम है तो डबल टिक लगा दिया ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक डायगनल ज्वाइन कर लेना है बी डी, चाहे बी डी ज्वाइन करो चाहे ए सी, कोई भी एक करना है। तो कर लिया, अब इस डायगनल ने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बन गई डी ए बी और एक बन गई बी सी डी। कॉन्ग्रुएंसी आप क्लास 7th में करके आए हैं यूनिट 9 में। तो मैं डी से चल रही हूँ, डी से जो डबल मार्क किया हुआ है उसकी तरफ आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे इधर बी पे खड़ा होना पड़ेगा, जो डबल मार्क है उसकी तरफ जाऊंगी। फिर सिंगल मार्क ए से बी जाऊंगी, तो यहाँ सी से डी जाऊंगी। यहाँ पहले वाला डी से जो चला था वो बी पर पहुंच गया, और जो जो बी से चला था वो डी पे। डी वाला बंदा आएगा बी की तरफ और बी वाला बंदा जाएगा डी की तरफ। तो मीन्स इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए डी डी ए इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी डी इज इक्वल टू डी बी, कॉमन। ये गिवन है, ये भी गिवन है। एस 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 कॉन्ग्रुएंस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्राइंगल को काट के हमने उल्टे तरीके से फिट करनी है इसके ऊपर, तो जो एंगल 1 है वो जाएगा 2 पर बाय सी पी सी टी से। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, एक इधर है एक इधर है, ये ट्रांसवर्सल का काम भी करेगा बी डी। एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए और बाय सी पी सी टी से इक्वल भी हो गए। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल्स हैं तो दैट मीन्स जो ये साइड और ये साइड है दैट दीज विल बी पैरेलल। सिमिलरली जब हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, मीन्स एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल को पूरा पूरा कवर कर रही है, तो जब हमने इसको रखा तो सी पॉइंट तो पड़ा बी ए पर और जो डी पॉइंट पड़ा वो बी पर, जो एंगल 3 है वो 4 को कवर करेगा। बट दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट बिकॉज बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और इक्वल है बाई सी पी सी टी से। तो हम कहेंगे कि ए बी भी पैरेलल टू डी सी आ गया। अब हमने यहाँ कहा था ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ कह रही हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बोथ पेयर्स पैरेलल हो गए अपोजिट साइड्स के, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर आर पैरेलल। अगर बोथ पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं तो मीन्स वो ए बी सी डी जो फिगर है दैट विल बी ए पैरेललोग्राम। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज सम्स एंड डू प्रैक्टिस एंड कंप्लीट योर कॉपी। थैंक यू।